सबसे पहले मैं आप अपने सब भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अपना कीमती वक्त मेरे लिए निकाला। और आज का जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये था कि जो हमारे कोटरंका ख्वास रोड पे जो है, मैं उसमें स्पेशली जो है अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे कई सालों से लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो वहाँ के खस्ता हाली उस रोड की, कोटरंका ख्वास रोड पे, वो जो है हमारी पूरी की। इसलिए मैं बहुत ही शुक्रिया अदा जो है अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का करना चाहती हूँ, और साथ ही अपने हमारे यहाँ के डीसी साहब और हमारे एडीडीसी साहब, जिन्होंने एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेशन की और उन्होंने उन लोगों की जो है उस रोड की खस्ता हाली पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देकर आज उन लोगों की डिमांड जो है वो पूरी हो चुकी है। और आपने देखा ही होगा कि कल ही हमारे वहाँ पे हमारी कोटरंका ख्वास रोड की ब्लैक टॉपिंग का काम जो है शुरू हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 1 लाख से ज़्यादा जो पॉपुलेशन जो थी वो उस रोड के ऊपर डिपेंड थी, क्योंकि उन लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अगर कोई वहाँ पे उस एरिया में अगर कोई बीमार हो जाए तो उनके लिए यही भी नहीं हो सकता था कि वो किस तरह से अपने पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुँचाएँ। और दूसरी बात, वहाँ के लोगों को जो एजुकेशन के लिए जब उनको कॉलेज जो है कोटरंका में आना पड़ता था, उसकी भी बड़ी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इसलिए आज के जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं इसके ज़रिए अपने जितने भी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज हमारे लोगों की जो प्रॉब्लम हल करके उनकी जो मुश्किलातें जो हैं वो शायद उनको जो फेस करनी पड़ी आज दिन तक, उसके बाद उनको सहूलियत मिली है। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारे पीरी एरिया जो है वहाँ की जो रोड की, वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कि हमारी मंदिर गली से पीरी तक और पीरी रोड से लेके हमारे रजौरी तक, वो भी आप देखते हो कि वहाँ पे रोड की बहुत ही खस्ता हाली है और उन लोगों को बहुत ही दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी न किसी काम से उनको रजौरी जो है आना पड़ता है या कोटरंका जाना पड़ता है, तो उस वजह से क्या होता है कि या कोई हमारे बच्चे हैं या हमारे वहाँ के कोई मुलाजम हैं, जब उनको अपने स्टेशन पे, स्कूल में या कहीं पे ऑफिस में पहुँचना पड़ता है, वो जिस स्कूटर या किसी भी गाड़ी के थ्रू जिस तरह से वो आना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो अपने मंदरगाला पहुँचते हैं या खांडी पुल तक पहुँचते हैं, तब तक उनकी जो कपड़े लगाए होते हैं वो बिल्कुल गंदे हो जाते हैं, उनकी शक्ल भी पहचानने के काबिल नहीं रहती है। और यहाँ के जो हमारे जो यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पीरी नाला से, जिन लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ, बहुत ही उम्मीद की किरणों के साथ उनको बहुत ही वादे दिए गए थे उस वक्त इलेक्शन के टाइम, उनको बोला गया था कि हम आपकी ये जितनी भी प्रॉब्लम है हल करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि मंदरगाला टू पीरी रोड और पीरी से लेके खांडली तक ये जो रोड है, इस रोड पे कभी भी उन्होंने उस पे कोई भी दो लफ्ज़ जो हैं बोले गए हों। और मैं उनसे चाहती हूँ, अब अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं हमारे, अगर वो उनके लिए दो लफ्ज़ बोल नहीं पाए, लेकिन आज मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगी और गुजारिश करूँगी कि उनकी भी जो आज दिन तक इन लोगों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनका जो है मुश्किलात से जो है उनका हल किया जाए। और जिस तरह से आज हमारे कोटरंका और ख्वास के रोड के जो लोग जो वहाँ के थे, जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने राहत पाई, मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से फिर से गुजारिश करूँगी कि इस तरह की जो राहत है हमारे यहाँ पीरी के नाला के लोगों को भी मिलनी चाहिए, ताकि वो भी अपने रोज़गार जो ज़िंदगी है अच्छी तरह से चला पाएँ। और दूसरा मुद्दा मेरा आज का ये था कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल है, ये टोटली जो है वो डिफेक्ट है, क्योंकि आज पूरे 1 साल में, जैसे आपको भी पता ही होगा, 4 मीटिंग्स हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज हमारा 3rd क्वार्टर चल रहा है, अभी तक इन्होंने कोई भी मीटिंग जो है कॉल नहीं की। यहाँ तक कि हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी की हमने कि किसी न किसी तरह से कोई एक ना एक मीटिंग कॉल की जाए, हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं सुनी जाए, लेकिन आज दिन तक अभी भी आप खुद देखते हो ये साल ख़त्म होने को आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी मीटिंग कॉल नहीं हुई है। और इससे पहले जब मीटिंग कॉल होती थी लास्ट ईयर,
उसका भी मुझे लगता है कि कोई भी रिज़ल्ट जो है, कोई भी आउटपुट जो है हमें उन मीटिंग का मुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो मीटिंग्स जो कॉल हुई थी वो लास्ट को 12 बजे रात को मैसेज आता है या 10 बजे ग्रुप्स के अंदर मैसेज डाला जाता है। और मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हो कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल, अगर हमारे चेयरमैन चाहें कि अगर हमारी ये मीटिंग जो है फ्रूटफुल होनी चाहिए या इसका आउटपुट होना चाहिए, तो उसका प्रॉपर एक प्लानिंग के हिसाब से मीटिंग होनी चाहिए। क्योंकि जब मीटिंग होती है तो 8-10 घंटे के पहले जब मीटिंग कॉल होती थी लास्ट ईयर, इस साल तो कोई मीटिंग हुई नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर की मीटिंग से भी कोई भी आज दिन तक आउटपुट नहीं निकला। इसलिए ये टोटली जो है हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है ये टोटली डिफंक्ट है। और मुझे एक चीज़ ये भी लगता है इसके अंदर कि जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब हैं, ये इस वक्त माइनॉरिटी में चल रहे हैं, क्योंकि इनके जो भी मेंबर्स थे, जैसे हमारे क्यूमीर साहब वो BJP में ज्वाइन हो चुके हैं, इनके साथ ना तो मेंबर हैं और ना ही ये अपनी मीटिंग कॉल। अगर इनको लगता है कि यह अपना काउंसिल की मीटिंग जो है कॉल नहीं कर सकते, इस पूरी डिस्ट्रिक्ट की रिस्पांसिबिलिटी संभाल नहीं जा सकते, तो मुझे लगता है कि इनको स्टेप डाउन करना चाहिए इस चीज़ को। और जैसे कि हम वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं वो वकालत भी करते हैं, और हर रोज़ हमें ये चीज़ भी नज़र आती है, और आपको भी मेरे से ज़्यादा ही पता होगा और सब लोगों को पता है कि वो अपने ऑफिस में तो बहुत काम ही जाते हैं, जहां लोगों की जो है बातें सुननी चाहिए उनको, जहां लोगों की मुश्किलें सुननी चाहिए, क्योंकि आज लोगों ने बहुत उम्मीद से उनको जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, लेकिन वो लोगों की उम्मीदों पे खड़े होते हुए ना तो मुझे नज़र आए। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपने कोर्ट में जो प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो कोर्ट प्रैक्टिस में जो है वो जा रहे हैं, और जबकि वो गवर्नमेंट के होनोरेरियम भी ले रहे हैं मंथली, और जब गवर्नमेंट का होनोरेरियम अगर जिसको भी मिलता हो, तो ये एक रूल भी है कि अगर आप गवर्नमेंट से 1 रुपया भी लेते हो तो आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये इस चीज़ को उनको डिसीज़न लेना चाहिए कि जब कि एक किश्ती के ऊपर दो, जब एक इंसान जो है दो सवारियों पे चलता है, ना वो एक सवारी चलती है ना इंसान वो डूब जाता है। इस तरह से अगर वो कोर्ट की प्रैक्टिस भी करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को भी संभालेंगे, वो एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी का काम है। एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी का काम है, क्योंकि उनको पूरी पब्लिक को देखना है, पूरी डिस्ट्रिक्ट की राजौरी के लोग उन पर डिपेंड है। अगर वो दो सवारियों पे अपने पांव रखना चाहते हैं तो उनको इस टाइम आज डिसाइड करना चाहिए। आज लगभग 2 साल होने को आ चुके हैं, लेकिन हमारी काउंसिल से कुछ भी और फ्रूटफुल जो है, कुछ भी ऐसा जो है आउटपुट नहीं निकला है। उनको डिसाइड करना चाहिए, उनको एक ही सवारी पे अपना पांव रखना चाहिए।